अपन लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोनाउन, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। तो देखना अच्छी तरह से, टॉपिक है अपना प्रोनाउन का, ठीक है? प्रोनाउन पार्ट वन, प्रोनाउन पार्ट वन आपको इस क्लास में देखना है। एग्जाम पैटर्न पर जो मैं प्रोनाउन आपको कराने वाला हूँ, जो सभी एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? जैसा आप थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले जो अपन लोगों को टॉपिक है वो अपना है प्रोनाउन का। तो समझना, ये प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? जो प्रोनाउन होता है ना, ये जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन क्या? प्रोनाउन, यदि अपन लोग बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन याद रखना इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ नाउन। कहने का तात्पर्य ये हुआ, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला वर्ड, नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला वर्ड, प्रयोग किया जाने वाला वर्ड, जाने वाला वर्ड को ही प्रोनाउन कहते हैं। कितना सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग होगा उसे अपन लोग बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन बोलते हैं। अब समझना, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का अपन लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन करेंगे। समझना बच्चों, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, क्या हमारे कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे खुद के पर्सनल नंबर, जैसे कहते हैं सीक्रेट नंबर, पर्सनल नंबर, तो उसी प्रकार हमारे कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, क्या कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे मैं बोलूँ आई, वी, यू, ही सी इट, ही सी इट, दे, ये सारे बच्चों होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल होते हैं, जैसे हमारे पर्सनल नंबर होते हैं, पर्सनल फ़ोन होते हैं, पर्सनल बुक्स वगैरह होती हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार कुछ हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी एंड दे, ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब एक पॉइंट आता है बच्चों, समझना, जो पर्सनल प्रोनाउन हैं, ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, एंड ही का हिम होता है, ठीक है? सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना आप, ठीक है? ये पॉइंट आप लोग फटाफट नोट कर लो कि यू का ऑब्जेक्टिव हमारा यू होता है, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, एंड दे का ऑब्जेक्टिव हमारा देम होता है। क्या होता है? देम होता है। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लिए होंगे, है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट पर बच्चों। यदि बात करें अपन लोग, यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो हमें 2-3-1 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देखो, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मेरी बात समझो बस। यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो हमें 2-3-1 का यूज करना है। ये क्या होता है बच्चों? 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड का मतलब होता है ही सी इट, ही सी इट, ठीक है? ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। एंड फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन हमारा होता है आई एंड वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ से, कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई एंड वी, एंड सेकेंड पर्सन कौन सा होता है? सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही सी इट, ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे, ठीक है? तो ये पॉइंट आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया, ठीक है? अब समझना, मैंने आपको बताया यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो हमें 2-3-1 का यूज करना है सेंटेंस। अब एग्जांपल देखते हैं, यू कामा ही एंड आई आर पार्टनर्स। तो ये सेंटेंस देखो, यहाँ पर कैसा कोई वर्ड नहीं है जो निगेटिव आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो,
इस सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं यूज किया गया जो निगेटिव हो। यू ही एंड आई पार्टनर, हम सभी पार्टनर हैं, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव है। सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक है, पॉजिटिव जिसे बोल सकते हैं, सकारात्मक है। तो हमने 2 3 1 का यूज कर दिया। यदि बच्चों यहाँ पर यू ना होता तो 3 1 बचता, तो मैं 3 1 का यूज कर देता। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आई होप समझ गए होगे। और यदि बच्चों किसी भी सेंटेंस में आपको नोट कर लेना, यदि निगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, निगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, तो आपको 1 2 3 लगाना है। कौन सा रूल लगाना है? 1 2 3। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर्स। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी बस समझना है आपको। मैंने आपको क्या बताया, 1 2 3 का यूज कब करना है, जब सेंटेंस हमारा निगेटिव। तो देखो सेंटेंस हमारा ये निगेटिव है, कैन नॉट का यूज किया गया है, तो सेंटेंस हमारा ऑब्वियसली निगेटिव है। तो वन मतलब कि फर्स्ट पर्सन आई एंड वी है, सेकेंड पर्सन यू भी है, एंड थर्ड पर्सन भी है ना, थर्ड पर्सन भी होगा। ठीक है, अरे कहीं भी लिख दो यार थर्ड पर्सन। तो 1 2 3 तो निगेटिव है निगेटिव। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर करता है यू पहले दे देगा, यू पहले दे देगा, उसके बाद एंड वी कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपको पता है सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो हमें 2 3 1 का निगेटिव है, तो सॉरी 1 2 3 का यूज करना है। किसका यूज करना है? 1 2 3 का यूज करना है। समझ गए बात? चलो एक बार फिर डिटेल से समझा देता हूँ। सेंटेंस क्या मैंने बताया, कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सेंटेंस हमारा असर्टिव एंड पॉजिटिव है। असर्टिव या पॉजिटिव उसी बोलते हैं, असर्टिव सकारात्मक, जैसे आप लोग नहीं हिंदी में बोलते हो सकारात्मक या सकारात्मक है। तो आपको यूज करना है 2 3 1 का यूज करना है। ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई एंड वी, एंड सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, एंड थर्ड पर्सन का हमारा जो प्रोनाउन होता है वो होता है ही सी इट। ठीक है, ये थर्ड पर्सन के होते हैं। और मैंने आपको बताया निगेटिव वर्ड, यदि सेंटेंस में आपको निगेटिव मिल गया, निगेटिव, तो आपको 1 2 3 का यूज करना है। किसका यूज करना है? 1 2 3 का। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज कैसे करते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी मैंने बता दिया आपको, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, ठीक है, एंड वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिए। एंड दे का प्लूरल, सॉरी दे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है देम। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें, यहाँ पर लिखो यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो मेरी बात समझना बच्चों, लिट के बाद, लिट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे सेंटेंस में देता हूँ, एंड के बाद, एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, एंड के बाद भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है कि मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, एंड के बाद एंड प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करना है। तो चलो सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस आपको लिखा है लेट यू एंड मी गो, तो एंड के बाद ऑब्जेक्टिव है आई होता है नॉमिनेटिव, और आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। देखो ऑब्जेक्टिव केस आया है, समझ रहे हो। और सेंटेंस यदि मैं दे दूँ ही डिपेंड्स ऑन मी या आई, बताओ क्या होगा। तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, बोले तो यहाँ पर मी का यूज होगा ना कि आई का। क्लियर हो गया है ना? तो ये पॉइंट आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसे सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, बिटवीन यू एंड आई ऑब्लिक ही प्रोबली प्रोबली वॉन्ट कम एट अ नो इडर,
अब समझना पॉइंट, बिटवीन यू एंड ऑब्जेक्टिव केस आता है तो यहाँ पर आई को हटा करके मी का यूज करो, आई को हटा करके मी का यूज करो। पॉइंट क्लियर? आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखते हैं कुछ अगला बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, समझना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी रेसिप्रोकल देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे ईच अदर, ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो बच्चों ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए, मतलब कि दो पर्सन के लिए, ठीक है। एंड वन अनदर का प्रयोग करते हैं दो से ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा के लिए आपको वन अनदर का यूज करना है। जैसे मैं सेंटेंस देता हूँ, समझना, एक मिनट, आपको कोई सेंटेंस दिया जाए, जैसे सेंटेंस मैं आपको देता हूँ कि द टू ब्रदर हेट ईच अदर, तो दो पर्सन के लिए हमने ईच अदर का यूज कर दिया, है ना। तो याद हो गया ना कि दो पर्सन के लिए आपको ईच अदर का यूज करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपन यूज करते हैं वन अनादर का यूज कैसे करते हैं, वन अनादर का यूज। अब बच्चों जो वन अनादर होता है हमारा, ये जो हमारा वन अनादर होता है, वन अनादर का प्रयोग करते हैं मतलब कि दो से अधिक, दो से, टू से अधिक, दो से अधिक के लिए हमें वन अनादर का यूज करना है। तो सिंपल सी बात है यार, समझना। सेंटेंस लिखता हूँ, द फाइव ब्रदर्स लव वन अनादर। तो दो से अधिक है मतलब कि पांच भाई हैं, दो से अधिक, तो मैंने वन अनादर का यूज कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब बच्चों कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है यार, बताऊं मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, कोई भी वर्ड यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में सेल्फ जुड़ा है, जैसे योर सेल्फ, माई सेल्फ, लास्ट में देखो जुड़ा है सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये सभी वर्ड होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि आपको सेल्फ मिल जाए तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये भी क्लियर आपको, ठीक है। अब यार कुछ बहुत डाउट करने वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत डाउट करने वाली चीज़ें आती हैं हमारी, कि सर हु, व्हिच, दैट एंड हुम, इनका यूज कहाँ करते हैं सर, ये बताओ। हु का यूज कहाँ करेंगे, व्हिच का यूज कहाँ करेंगे, दैट का यूज कहाँ करेंगे, हुम का यूज कहाँ करेंगे। तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन कब बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, जब आप इस क्लास में कमेंट करोगे कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। तो जितने बच्चों को चाहिए हु, व्हिच, दैट, हुम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि आपको चाहिए या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर।